जनपद सहारनपुर के फंदपुरी में गुर्जर समाज मिहिर भोज महान की प्रतिमा अनावरण के अवसर पर उमड़े विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए राजा लंढोरा विधायक प्रणव सिंह चैंपियन ने कहा कि गुर्जर का मतलब गुर प्लस जर, जिसका मतलब है शैक्षिक और शारीरिक दोनों ताकत, जिसमें हो वो व्यक्ति गुर्जर होता है। और गुर्जर प्रतिहार केवल चिल्लाने से नहीं बना जाता, उसके लिए असल जिंदगी में रक्षक बनना होता है। आपके इलाके में से भी जाति धर्म के लोग सुरक्षित रहें और प्रत्येक वर्ग की बहन बेटी सर उठा के चले, तब आप सच्चे मायनों में गुर्जर प्रतिहार कहलाने के अधिकारी हैं। चैंपियन ने कहा कि आपको सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक, आर्थिक, नैतिक स्तर से अपने आप को मजबूत करना होगा, तभी हमारी राजनीतिक हिस्सेदारी आगे बढ़ेगी। आप इस देश और समाज के रक्षक रहे हैं, आपको अपने पूर्वजों से सीखना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम गुर्जर भाई भाई हैं, चंद लोगों की वजह से हमारे बीच जो हिंदू मुस्लिम की खाई बनी हुई है, हमें उससे ऊपर उठकर अपने सामाजिक ताने बाने को मजबूत करना होगा और एक दूसरे को आपस में संबंध बनाने होंगे। इस मौके पर MLC हरेंद्र मलिक सहित गुर्जर समाज के जिम्मेदार लोग भारी संख्या में मौजूद रहे। फनपुरी में आज आना हुआ, किस संबंध में आना हुआ है? देखिए, हमारे वीर गुर्जर समाज द्वारा अन्य सभी 36 कौम की जिस तरह से रक्षा की गई थी और उनको प्रतिहार का टाइटल मिला था, वीर गुर्जर सम्राट मिहिर भोज जी को प्रतिहार कहा जाता था, उन्हीं की याद में आज वीर गुर्जर कौम के खोए हुआ जो एक गौरव था उसको पुनर्स्थापित करने के लिए, रिजुविनेशन ऑफ द लॉस्ट प्राइड, आज यहाँ पे एक मूर्ति का अनावरण हुआ है जिसमें हमें चीफ गेस्ट की तरह बुलाया गया था और हमने 36 कौम का स्वागत किया। और आज मैंने मन से कहा है कि अपने बीच में से धर्म की दीवार को बिल्कुल तकसीम कर दीजिए, हिंदू गुर्जर मुसलमान गुर्जर खत्म करिए, सब गुर्जर एक गुर्जर बन जाइए। आज फनपुरी में आना हुआ, किस संबंध में फनपुरी में आना हुआ है? आज हमारे जो पूर्वज है गुर्जर मिहिर भोज महाराजा सम्राट, उनकी मूर्ति का अनावरण था। यहाँ नौजवान लड़कों ने और सभी क्षेत्र के जिम्मेदार लोगों ने यहाँ मूर्ति, ये देख रहे हैं आप, उनकी लगाई है, उसके उद्घाटन के अवसर पर उनके उसमें हम लोग यहाँ आए थे। आप BJP से MLC हैं जी, और BJP सरकार भी इसका विरोध हो रहा है, तो ऐसा क्यों? कौन कर रहा विरोध जी? कौन नाम को लेकर पीछे बहुत बड़ा बवाल मचा? देखिए, जो पार्टी में दूसरे नेता हैं जी, BJP पार्टी का भी कोई विरोध कर रहा है? हर जगह नोएडा दादरी में क्या है, वे समाजवादी पार्टी के लोग हैं, हमने कहा नहीं अभी, वहाँ अगर कमी रही तो उन नेताओं की है जिन्होंने ये धोखा किया है, हमारे यहाँ तो नहीं है, हमने भी किया तितरवाड़े में, लगा हुआ कुछ नहीं हुआ। तो ये वहाँ की एक राजनीति थी, वो जो भी कारण रहा हो, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि कोई माननीय योगी जी का हाथ है। अच्छा, उन्होंने कहा तो फिर लगा क्यों, वो रात में ही तो मिटा दिया और रात में ही लगा दिया, सुबह ही क्या जरूरत थी, लगाना था तो सबको बुला के लगाते वहाँ, फिर वही मिठाए। तो ये अभी हैराने में आए थे योगी जी, भीड़ में 80% गुजर नहीं थे वहाँ, हुआ कोई विरोध वहाँ, हुआ किसी ने किया? तो लगता है आपको इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है? कोई नहीं, ये तो देखे जो जिस पार्टी में है राजनीतिक रूप से वो करेगा, इनके पास और करने के लिए है क्या? यही मुद्दे हैं जिन्हें मुद्दे को उठा के वो आवाज़ बुलंद करेंगे। हम तो जानते हैं, हमारे यहाँ तो मुजफ्फरनगर में भी गए, कहीं कोई विरोध नहीं। भाई कौन है, दादरी के यही तो हैं, मुखिया गुजर है, भाजपा में है, लेकिन वो भाजपा से छुट्टी पाना चाह रहा, या तो टिकट दो और कौन है, या मैं है, तो इसमें ऐसा कोई बात नहीं है। समाज आज हम सब लोगों के लिए सबसे अहम है, हमारी सुरक्षा, कानून व्यवस्था, विकास, जो इस सरकार ने बहुत बड़े स्तर पर सुरक्षित है और विकास किया है, उनके सामने ये मुद्दे कोई अहम नहीं है। छोटे मोटे मुद्दे रहेंगे, विपक्षी विरोध करते रहेंगे, लेकिन फिर भाजपा की सरकार आएगी।